जय माता दी। मेरे प्रिय भक्तों, आज हम आपको श्रवण कराएंगे श्री संतोषी माता की व्रत कथा, यानी शुक्रवार व्रत की। आज हम आपको एक बहुत ही प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। तो माता के प्यारे भक्तों, हमें कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए भक्तों, अब हम श्रवण करेंगे माँ संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी जिसके सात बेटे थे। उनमें से छह कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ छह पुत्रों को रसोई बनाकर खिलाती और जो कुछ शेष बचता था उसे सातवें निकम्बे बेटे को खिलाती थी। परंतु वह बहुत भोला भाला था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना अपार प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ भोजन तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं जब यह अपनी आँखों से देख नहीं लूँगा तब तक नहीं मान सकता। कुछ दिनों बाद बड़ा त्योहार आया। घर में सातों प्रकार का भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़े रसोई में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। छह भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ उनके लिए सुंदर आसन बिछा, नाना प्रकार की रसोई परोसी और उन्हें आग्रह करके जिमाया। वह देखता रहा। छह भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, बेटा छह भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे आज भूख नहीं लगी है, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया माँ बोली, कल जाता हो सो आज ही चला जा। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जाबेंगे परदेश को, आबेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। बहू बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरा सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। लड़का बोला, देव निशानी आपनी, देख धरूं मैं धीर, सुध मत हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को आदमी की जरूरत थी। वह बोला, रह जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार को नौकरी मिली। वह सवेरे से शाम तक नौकरी बजाने लगा। थोड़े दिनों में दुकानदार के सात आठ नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे कि यह बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने उसका काम देख 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्षों में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर इसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करावें, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजें। इतने पर भी घर में जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियाँ संतोषी माता का व्रत करती मिल गयी। उन्हें देखकर वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछने लगी, हे बहनों, तुम किस देवता का व्रत कर रही हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी विस्तार पूर्वक बताइए, व्रत करने की क्या विधि है। तब वह स्त्रियां बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी घर में आती है और मन की चिंताओं का नाश होता है। घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है।
निपुत्री को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र लौट आवे, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिले, राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा है तो शीघ्र ही खत्म हो जावे, ग्रह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति आवे, घर में धन जमा हो, पैसा व जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो भी मन में कामना है वह सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है यह भी बता दो बहन, आपकी बड़ी कृपा होगी। वह स्त्रियां कहने लगीं, सवाए हिसाब का गुड़ और चना लेना, और श्रद्धा न हो तो सवा पैसे का ही लेना, या सवा रुपए का सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना या सुनना, परंतु इसके बीच में क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम पूर्वक करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला, उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे, जब तक कार्य सिद्ध ना हो तब तक नियम का पालन करते रहना, और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूरा करती हैं, यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता 1 वर्ष में कार्य सिद्ध कर ही देती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में उचित नहीं है। उद्यापन 2.5 किलो आटे का भोजन तथा इसी परिणाम से खीर और चने का साग करना चाहिए, 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक हो सके देवर जेठ भाई बंधु के हों और कुटुंब के ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को भोजन कराना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति कुछ वस्तु दें, पैसा रुपया ना दें, उस दिन घर के बाहर कोई भी खटाई ना खाने पावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों का गुड़ और चना ले माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? लोग कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है यह। यह सुन माता के मंदिर में जा, माता के चरणों में लौटने लगी और बोली, मैं दीन हूँ, विनती करने लगी, माता मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण हूँ। माता को दया आई, 1 शुक्रवार बीता के दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और 3रे को उसका भेजा हुआ पैसा। यह देख जेठ जेठानी मोह सिकोड़ने लगे, इतने दिन में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब काकी की खातिर बढ़ेगी, अब काकी बोलने पर भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आबे, रुपया आबे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माताजी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बाबली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप है, भाई बहन है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता जी यह मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता है, कैसे जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत प्रणाम कर, दुकान पर जा बैठ, देखते देखते तेरा सब लेन देन चुक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब वह सवेरे बहुत जल्दी उठ भाई बंधु से अपने सपने की बात कहता है, वे सब उसकी अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सांझ झूठ के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है?
अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, कोठे भरे सामानों के खरीदार नगद दाम दे सौदा तय करने लगे और शाम तक धन का ढेर लग गया। मन से माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहने कपड़ा और सामान खरीदने लगा और यहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है और लौटते समय माता जी के मंदिर में विश्राम करती है क्योंकि वह तो उसके रुकने का स्थान ठहरा। धूल उड़ती हुई देख वह माता जी से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री तेरे पति आ रहे हैं आज, अब तू ऐसा कर कि लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, तब वह यहाँ रुकेगा और भोजन बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना कि सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो और भूसी की रोटी व नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है, बहुत अच्छा माता जी बहुत अच्छा। ऐसा कहकर वह प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठा ले आई और एक नदी पर एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा, लकड़ी सूखी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि आज अब यहीं निवास करें और भोजन बना खा पी कर गाँव को जाएं। इस प्रकार रुककर भोजन बना विश्राम करके वहां गाँव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए मतवाली हो आती है और लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो और भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आने पर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक आया है, आ बैठ मीठा भात खा भोजन कर कपड़े पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल होता है, माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती है, घर का कामकाज करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा तेरी जैसी मर्जी हो। यह कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया, उसने ताली लेकर दूसरे मकान में जा तीसरे मंजिल के ऊपर एक कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बन गया, अब क्या था, वह दोनों सुख भोगने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया, उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा बड़ी खुशी से कर लो। तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी, जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उसने स्वीकार कर लिया, परंतु पीछे से जेठानी ने बच्चों को सिखा दिया, देखो रे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने आए, खीर पूरी खाकर पेट भर गया, परंतु वह बात याद आते ही कहने लगे कि हमें खटाई दो, खीर खाना हमें अच्छा नहीं लगता, देखकर अरुचि होती है। यह सुन बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, नहीं तो पैसा दो। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली लेकर खाने लगे। यह देख बहू पर माता जी ने कोप किया, राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। बहू को यह बात सहन नहीं हुई, वह रोती रोती माता जी के मंदिर को गई और कहने लगी, माता जी यह तुमने क्या किया, हंसा कर अब क्यों रुलाने लगी। माता जी बोली, पुत्री तूने अभिमान कर मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, अब भूल ना होगी माँ, अब यह बताओ वे वापिस कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह निकली तो मार्ग में उसका पति आता हुआ मिला, वह पूछती है तुम कहाँ गए थे, तब वह कहने लगी, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ अब घर पर चलो। घर गए तो कुछ दिन बाद ही शुक्रवार आया,
और उसने उद्यापन किया। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन की कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम भाई पहले की तरह ही खटाई मांगना। लड़के भोजन के समय कहने लगे, हमें खीर नहीं भाती जी, बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी। तब वह ब्राह्मण तथा पड़ोसियों के लड़कों को लाकर भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा में एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। नवे मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज मैं इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूर के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। देहरी पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के उठकर भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बंद चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती हैं। इतने में तो उसकी सास का क्रोध टूट पड़ा। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जिसका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर की किवाड़ खोल दिए, सबने माता जी के चरण छुए। इस प्रकार माता जी प्रसन्न हुई। उस सास बहू को प्रसन्न होकर माता जी ने जैसा फल दिया वैसा माता हम सबको दो, जो उसकी कथा को पढ़े उनके मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।